गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और किस तरह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी होती है उसमें ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क फैला होता है. इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होता है. और जो हमारा हार्ट होता है, इधर पर हार्ट का स्ट्रक्चर दिया गया है. हमारा जो हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है. तो अब हम इसका फंक्शन देखने वाले हैं कि किस तरह से हार्ट अपना फंक्शन करता है. जो बॉडी के सारे पार्ट होते हैं उनसे इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ, वीना केवा के थ्रू. इधर पर ये वीना केवा दी गई है जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये वीना केवा इसे बोलते हैं. और ये दी गई है कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स. इधर पर जो कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती हैं, बॉडी के सारे पार्ट में कैपिलरीज होती हैं, ये इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं. अब बॉडी के सारे पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड, ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, ये इम्प्योर ब्लड है. बॉडी के सारे पार्ट से इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इस वीना केवा के थ्रू कहाँ पर जाता है, हार्ट के राइट पोर्शन में जाता है या राइट एट्रियम में जाता है. तो जो वीना केवा होती है ब्लू कलर की दिख रही है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो वेन्स होती हैं उनका कलर ब्लू होता है. तो जितनी भी वेन्स होंगी, वेन्स इसके वीना केवा के अंदर पाई जाती हैं और ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, मैन वीना केवा बनाती हैं. तो जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को इस वीना केवा के थ्रू हार्ट के राइट पोर्शन मीन्स राइट एट्रियम में ले जाती हैं. जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो राइट एट्रियम पहले रिलैक्सिंग पोजीशन में आता है, उसके बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है. जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इधर पर वन वे इनलेट दिए रहती हैं, मींस जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मींस वेंट्रिकल में तो जाने देते हैं ब्लड को, पर उसका बैकवर्ड फ्लो रोकते हैं. तो इधर पर क्या होते हैं, इसके एट्रियम के सेंटर में क्या पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब पाए जाते हैं. ये ट्राइकस्पिड बल्ब जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइकस्पिड बल्ब क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. और ब्लड का फ्लो कहाँ पर हो जाता है, राइट वेंट्रिकल में हो जाता है. राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आता है पहले तो राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड होते हैं, देन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है. राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण इधर पर देखो जो पल्मोनरी आर्टरी दी गई है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करती है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आर्टरीज होती हैं ब्लू कलर की, सॉरी आर्टरीज होती हैं रेड कलर की, और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो ब्लू कलर की होती है, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करती है. ये लंग्स कैपिलरीज दी गई हैं. इधर लंग्स में जाकर क्या होता है, ब्लड प्योर होता है. तो इधर पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स की तरफ क्या ले जाती है, इम्प्योर ब्लड को ले जाती है. इधर पर जाकर इस इम्प्योर ब्लड से, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब करने के कारण जो ब्लड होता है वो प्योर हो जाता है. अब ये प्योर ब्लड इस पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स मैंने आपको बताया था कि जो वेन्स होती हैं ब्लू होती हैं, पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, रेड होती है, क्योंकि ये प्योर ब्लड को हार्ट में ले जाने का काम करती है. अब जो पल्मोनरी वेन्स होगी वो क्या करेगी, प्योर ब्लड को हार्ट के लेफ्ट पोर्शन मींस लेफ्ट एट्रियम में ले जाएगी. लेफ्ट एट्रियम में इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है. प्योर ब्लड जैसे ही आएगा लेफ्ट एट्रियम में तो लेफ्ट एट्रियम पहले रिलैक्सिंग पोजीशन में आता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके सेंटर में बाइकस्पिड वाल्व पाए जाती हैं, लेफ्ट साइड क्या राइट साइड ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाती हैं और लेफ्ट साइड सेंटर में बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं. तो जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं. बाइकस्पिड वाल्व के ओपन होने के कारण जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. लेफ्ट वेंट्रिकल पहले रिलैक्सिंग पोजीशन में आएगा, देन कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा. जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर पर आपको एक
ट्यूब दिख रही है मोटी वाली, इसे बोला जाता है एओर्टा टू बॉडी। एओर्टा जो होता है प्योर ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट में ले जाने का काम करता है। तो वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस एओर्टा के थ्रू जो प्योर ब्लड होता है वो क्या होता है, बॉडी के सारे पार्ट में पंप कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एओर्टा लिखा गया है, एओर्टा किससे बनता है, आर्टरीज से बनता है, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो बहुत सारी आर्टरीज इधर पर प्योर ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट में ले जाने का काम करती हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट में ले जाने का काम कौन करता है, एओर्टा करता है। और इधर पर जो वीना केवा दिया गया है ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट में ले जाने का काम करता है। वीना केवा वेन्स से बना होता है और जो एओर्टा होता है वो आर्टरीज से बना होता है। अब प्योर ब्लड क्या होगा, बॉडी के सारे पार्ट में सर्कुलेट कर दिया जाएगा या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन का यूज कर लेती है सेल, और इधर पर जब ग्लूकोज का उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होता है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यहाँ से वीना केवा के थ्रू हार्ट के राइट एट्रियम में ले जाया जाएगा। राइट एट्रियम में ले जाने के बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से इस ब्लू कलर की पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड लंग्स में प्योर होने के लिए जाएगा। लंग्स में ब्लड प्योर होगा और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ए ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड इस एओर्टा के थ्रू बॉडी के सारे पार्ट में जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या ऑक्सीजन की कमी है उधर पर इस एओर्टा के थ्रू ब्लड को सेंड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड हार्ट में पहुंचाया जाता है। उसके बाद हार्ट से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है लंग्स में ले जाती है और लंग्स से प्योर ब्लड हार्ट में वापस आता है और एओर्टा के थ्रू फिर बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा कि फर्स्ट टाइम इम्प्योर ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, उसके बाद प्योर ब्लड भी कहां पर आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो ब्लड क्या है, क्योंकि टू टाइम इधर पर हार्ट में एंटर करता है, इस कारण से इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है ह्यूमन हार्ट को। स्टूडेंट्स जो ह्यूमन हार्ट होता है मींस जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उनके हार्ट में फोर चैम्बर पाए जाते हैं। फोर चैम्बर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनको अपना उनको कंटिन्यूसली एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस एनर्जी का यूज वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके हार्ट में थ्री चैम्बर पाए जाते हैं। थ्री चैम्बर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। एम्फीबियंस मीन्स जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, तो इनकी बॉडी में सिर्फ थ्री चैम्बर पाए जाते हैं और यदि इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका टेम्परेचर एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो फिश होती है उसके हार्ट में टू चैम्बर पाए जाते हैं। टू चैम्बर क्यों पाए जाते हैं उसके हार्ट में, जो क्योंकि जो फिश होती हैं वो ब्लड जब उनमें उनके हार्ट से कहाँ पर भेज दिया जाता है, पहले गिल्स में भेज दिया जाता है। गिल्स में जैसे ही भेजा जाता है ब्लड को तो ब्लड क्या होने लगता है, ऑक्सीजनेटेड होने लगता है। उसके बाद इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के थ्रू बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। तो सिर्फ वन वे सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, और जो मैमल्स होते हैं बर्ड्स होते हैं उनमें ब्लड का डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ए वाला टॉपिक जो आपका है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इधर पर खत्म हो गया है। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।